है जहां पर कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं सुनिए। हम लोग भी सरकार में रहे, मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, मैं उनकी सरकार में मंत्री रहा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कभी आदिवासी समाज को लगा कि हमारे अधिकार छीन सकते हैं? कभी किसी को लगा कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं? तो क्या कारण है कि बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों को बार बार ये सफाई देनी पड़ती है, बार बार ये सफाई देनी पड़ती है कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे? अरे भाई, आप ही के लोग बोल बोलकर लोगों को उकसाते हैं, संशय पैदा करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम सब लोग जो राजनीति में काम करते हैं, हो सकता है हमारी अलग अलग सोच हो, अलग अलग विचारधारा हो, लेकिन हम सबका दायित्व है, इस देश में सबसे बड़ा ग्रंथ अगर कोई है हमारा संविधान है। और मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का, उन्होंने संविधान को सुरक्षित रखने का, संविधान की मूल भावनाओं को सुरक्षित रखने का, संविधान के असली मूल को जनता तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, उससे पूरे देश में आज एक नई उमंग दौड़ी है। एक नई सरकार का गठन दिल्ली में हुआ है, राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन इन 10 सालों में जब से सरकार दिल्ली में बैठी है, हमारा जो किसान वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो दबा कुचला पिछड़ा दलित आदिवासी वर्ग है, वो अपने आप को आज ठगा महसूस क्यों करता है? बार बार लोगों के जहन में सवाल क्यों आता है कि अगर 400 पार हो जाते तो न जाने क्या करते? धन्य इस देश की जनता जिन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखते हुए एक ऐसी त्रिशंकु लोकसभा दी है जहां किसी दल को बहुमत नहीं मिला। ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, किसी दल को बहुमत नहीं मिला, एक मुली जुली सरकार बनी है, दो दो बैसाखियों को लेकर सरकार आगे चल रही है, और उसका परिणाम यह है कि दिल्ली की संसद में जहां मुरारी जी और हरीश मीणा जी बैठते हैं आपके आशीर्वाद से, और मुझे कहते हुए बड़ा फख्र है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब लोगों का, चाहे धौलपुर हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे दौसा हो, चाहे टोंक हो, सब जगह प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी के हमारे सांसद जीत कर गए हैं। क्या मेरा छोटा भाई अनिल चोपड़ा बैठा हुआ है, आप लोगों ने कसर कोई नहीं छोड़ी, पूरा मीटर खींचा था, 18-20 हजार से जीत कर गए रामगढ़ से, लेकिन साजिशपूर्ण तरीके से उनको संसद में जाने से रोका गया। लेकिन अनिल जी, आप नौजवान हो, आप हिम्मत रखो, संघर्ष करो, जब जनता मौका देगी तो छप्पर फाड़ के देगी, फिर तो रोकने वाला नहीं है। हम लोग प्रचार करते हैं किसान की बात, किसानी की बात, गरीब की, मजदूर की, नरेगा की, शिक्षा की, रोड की, बिजली की, स्कूलों की, अस्पतालों की, कॉलेज की, देश को विकास करना है, देश को जोड़कर रखना है, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, हम लोग क्या बातें क्या करते थे? ये देश सबका है, सबकी भागीदारी है, सब नागरिक बराबर है, कानून संविधान बोलता है, हर नागरिक का एक वोट है, कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, संविधान सबसे ऊपर है। देश की सरकार चलेगी तो संविधान की भावना से चलेगी। आज ये माहौल बन गया, अब देखो जब से राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं संसद में क्या हाल है, बड़े बड़े नेताओं के मुंडे मुरझा गए, वो रौनक चली गई, वो हंसी चली गई, और जो बिल लेके आते हैं, पहले कहा लैटरल एंट्री करेंगे, जो आईएएस के अधिकारी हैं उनकी भर्ती सीधा करेंगे, मतलब वहां पर भी वो जो दलित पिछड़ा आदिवासी गरीब पक्ष के लोग हैं उनके बच्चों को रोकना चाहते थे, हमने विरोध किया और सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा, क्योंकि ये विपक्ष की ताकत है, ये आपके संघर्ष की ताकत है। बहुत सारे बिल पार्लियामेंट में लेकर आते हैं, लेकिन जब पूरा विपक्ष धारता है तो संख्या बल देखो, 290 तो सत्ता के हैं और 234 विपक्ष के हैं, बहुत ज्यादा फासला नहीं है, लोग समझ रहे हैं। मैं आप लोग सब लोगों को सराहना करना चाहता हूं, हमारा आदिवासी समाज, हमारा दलित समाज हमारी आन बान और शान है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपके हितों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को संरक्षित रखने के लिए
जो भी हमें करना पड़ेगा हम करने को तैयार हैं। हम उस दल से वास्ता रखते हैं जो 130 साल से देश को सींचती आई है। सत्ता हो या विपक्ष हो, सबको साथ लेकर आगे चलने का हमने संकल्प लिया है। हम लोग राजनीति में हैं, हमारे विरोधी भी हो सकते हैं। विरोध होता है वैचारिक सोच का, काम करने के तरीके का, उस पर चर्चा हो, संवाद हो। लेकिन जो लोग हमारी राजनीति को जानते हैं वो समझते हैं हमने बड़े से बड़े विरोधी का भी अगर विरोध किया है, डट कर किया है, लेकिन संयम से किया है, मर्यादापूर्ण भाषा से किया है। विरोधियों का सम्मान करना, अपने प्रतिद्वंदी को इज्जत देना, संयम और मर्यादा की सीमा को नहीं लांघना, ये हमारी राजनीति का परिचय है। अरे राजस्थान है साथियों, ये तो अतिथि देवो भव की भूमि है। जो भी आएगा उसका स्वागत है, प्यार मोहब्बत का इतिहास रहा है। वाणी में विनम्रता रखनी चाहिए, लोगों को सम्मान पूर्वक संबोधन करना चाहिए। और अगर राजनीति की बात आ रही है तो चुनाव आने वाले 5-6 जगह, तब को तो हाथ करने का पता चल जाएगा।